हाई एवरी वन, वेलकम टू सी यू डी पी जी अड्डा। और आज के इस वीडियो सेशन में वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट बी एड। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन मोर ओवर इस बारे में है कि जब आप सी यू डी पी जी के लिए जाते हो तो उसमें आपको बी एड के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज मिल जाते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि अगर मैं, मान लीजिए मुझे ये पता है कि कोर्सेज क्या हैं, मुझे ये पता है यूनिवर्सिटीज़ कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है, तो मैं कैसे पढ़ूँ उसके लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि उसका सिलेबस क्या है तो आप उसके लिए पढ़ नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑल टोटल सारी चीजें बताऊंगी, इंक्लूडिंग द सिलेबस ऑफ ऑल दी कोर्सेज। लेकिन सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं, बेटा आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन बीएड के बारे में भी होना चाहिए। जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है ऑल अबाउट बीएड, वो बीएड देख लो जा करके। उसके बाद ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीयूईटी पीजी का पार्ट बनने वाले हैं 2025। सो लेट्स गेट बिगिन विद दिस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बी एड विच इज़ ऑल्सो नोन एज बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एक 2 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है आपका, राइट। और अगर आपको टीचर बनना है, राइट, किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपके लिए बी एड जो होता है वो कंपलसरी हो जाता है। तो इट इज़ एक्चुअली डिजाइन टू इक्विप द नेसेसरी नॉलेज नीडेड टू बिकम अ टीचर। आपने एक वर्ड सुना होगा चाइल्ड पेडागोजी, है ना, तो बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है उसको स्टडी करना, उसको किस तरीके से आप बेस्ट ऑफ बेस्ट एडुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो वो सिखाना इसका मेन मोटो है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके पास मैंडेटरी रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होनी चाहिए, है ना। अगर आप क्लास 6 to 7 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए है, अगर आप 9 to 10 को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, अगर आप सीनियर सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं 11th 12th के, तो आपको किस तरह की एडुकेशन चाहिए होती है। देखो, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होगी कि जब आप किसी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो तो आपको बहुत सारे स्कूल जैसे मिल जाते हैं जहाँ पर 1st to 6th तक की पढ़ाई कराई जाती है। कुछ ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जहाँ पर 1st to 8th तक भी मिल जाते हैं आपको, राइट। फिर अगर आप केवी वगैरह में चले जाते हो, नवोदय वगैरह में चले जाते हो, तो वहाँ पर आपको 9th 10th भी मिलता है और 11th 12th भी मिलता है, राइट। अब आपको पता है, जैसे आपने बीएड का पेपर दे दिया तो क्या बीएड का पेपर इज सफिशिएंट? बीएड का पेपर देने के बाद आपको बाद में कुछ नहीं करना पड़ेगा? सो इट्स नॉट लाइक दैट। बीएड का पेपर देने के बाद भी आपको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो वो मल्टीपल चीज़ें क्या हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूँ तो आपको क्लियरली मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, फर्स्ट वन इज़, अगर आप बीएड के लिए जा रहे हैं तो बीएड के बाद आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, ठीक है ना, अलग अलग एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, जैसे कि आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है, राइट, यूपीटेट एग्ज़ाम होता है। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल स्टेट के लिए जा रहे हैं तो जैसे एचटेट एग्ज़ाम होता है, ऐसे नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट टेट एग्जामिनेशन होते हैं जो कि आपको देने पड़ते हैं फॉर मल्टीपल लेवल्स। फिर आपका टीजीटी होता है, पीजीटी होता है, ऐसे आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं जिसकी वजह से आप 9th 10th, ठीक है, 11th 12th या फिर 1st to 6th या फिर 6 to 8 के टीचर बनते हो, राइट। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी बीएड के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर देते हैं इस चीज़ के बारे में कि इसका अक्रेडिशन किससे, तो मैं आपको बता दूँ इसका अक्रेडिशन है एनसीटीई से, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एडुकेशन, राइट। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ बीएड हमें सीयूईटी पीजी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। सो एक तो आपका बीएड आपको मिल जाता है COQP03 कोड के साथ, जो कि जनरल आपका बीएड है। फिर आपको बीएड ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के साथ मिल जाता है COQP04 के साथ। बीएड लैंग्वेजेस में भी आपको मिल जाता है 05 कोड के साथ। बीएड आपको मैथमेटिक्स में 07 कोड के साथ मिल जाता है और साइंस में आपको बीएड 06 कोड के साथ मिल जाता है। सो अब अगर आप इन कोर्सेज के लिए जाना चाह रहे हो, है ना, तो ऑब्वियसली आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इनके सिलेबस क्या रहने वाले हैं, क्योंकि अगर अल्टीमेटली आपको सिलेबस नहीं पता होगा, आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप इन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकते, राइट। सो अभी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया आपका, ठीक है ना, या फिर आपका टेस्ट हो गया, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज़ क्लियरली मैंशन, ठीक है। फिर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा अगर आप बात करो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, है ना, ये मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी जो आपको बीएड प्रोवाइड करती है। फिर आप देख लो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी सीयूईटी पीजी के थ्रू आपको बीएड प्रोवाइड करती है। बट दिस इज़ नॉट इनफ, आपकी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको बीएड प्रोवाइड कर रही हैं। बट बच्चे पूछते हैं कि मैम मैं कहाँ से चेक कर पाऊँगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी बीएड प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है? तो आप जिस भी जगह के हो, है ना, सपोज आप गुजरात के हो या आप हरियाणा के हो, है ना, या फिर आप पंजाब के हो, कहीं के भी हो आप, अगर आप सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सर्च फॉर दिस, आप डालो सर्च में सीयूईटी पीजी। देखो मैं आपको डाल करके दिखाती हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च पर डालूंगी सीयूईटी पीजी 2023-24 में अपडेशन हुआ,
2025 के लिए भी अपडेशन होगा। फिलहाल अभी हम रेफरेंस किसका ले रहे हैं, सीयूटी पीजी 2024 का। तो अगर हम यहाँ पर मान लो यूनिवर्सिटीज पे आ जाएं, तो यूनिवर्सिटीज में सपोज आप असम यूनिवर्सिटी चेक करना चाहते हो, है ना, कोई BHU चेक करना चाहता है ना, कोई सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी चेक करना चाहता है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हरियाणा चेक करना चाहता है, हिमाचल प्रदेश चेक करना चाहता है, सो आप इसके अंदर जा करके ही चेक कर पाओगे कि आपको ये यूनिवर्सिटी जो है वो BEd प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है। अब ये यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर मैं सर्च करूं तो कैसे करूं, तो मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट वे बता देती हूँ सर्च करने का। जब आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे सर्च कर रहे होगे तो आप Ctrl+F से जा करके सर्च कर सकते हो, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। आप देखो यहाँ पे MSc के कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखो MA और MEd आपको दिया जा रहा है असम यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। MBA अभी तक अगर आप देखेंगे तो BEd का मुझे कोई कोर्स नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर देखने के लिए मिल गए, राइट। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट तक मुझे कोई भी नहीं मिला, है ना। अगर आप कंप्यूटर पे इसको ओपन कर रहे हो तो Ctrl+F से सीधे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो। अब ऐसे ही मैं BHU ओपन कर लेती हूँ, BHU में भी मुझे नंबर ऑफ कोर्सेज दिखाई देंगे, सो इसमें आई हैव टू चेक कि BEd है कि नहीं है। यहाँ पे देखो MA MEd आपको मिल रहा है ना, आई हैव टू लुक फॉर दिस। जब तक मुझे मिल नहीं जाता मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा BEd है कि नहीं है। इवन जब आपको यहाँ पर BEd मिल जाएगा तो उसके साथ साथ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर अपना चेक कर सकते हो कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप मीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो कैन यू सी दिस, आई एम सर्चिंग फॉर माई BEd कोर्सेज, इफ आई कैन सी मेरे को कौन से कोड के थ्रू मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा। सी यहाँ पे BPed आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। देन आप और आओ CUET के थ्रू आपको BEd मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू चेक फॉर। ये देखो BEd मिल गया, देख रहे हो, यहाँ पे आपको BEd लैंग्वेजेस के लिए मिल रहा है, BEd आपको यहाँ पर स्पेशल एडुकेशन के लिए मिल रहा है ना, विद COQP05 कोड। इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री साइंसेस, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट, देयर टू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। मतलब अगर आप किसी नॉर्मल ग्रेजुएशन को करके आए हो तो आपको 50% नंबर चाहिए हैं, और अगर आपने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई कोर्स किया हो तो उसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए हुए। सो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी पूरी पता चल जाएगी कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए हैं, आपकी रिस्पेक्टिव जो आप कंप्लीट करके आए अभी रिसेंटली डिग्री, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि कितने एलिजिबल हो आप इसमें जाने के लिए। देखो यहाँ पर आपको साइंस के लिए भी COQP06 भी मिल रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो ऐसे आप हर यूनिवर्सिटी का चेक कर लोगे जैसे ही आप जाओगे, देखो 07 का भी यहाँ पर दिया गया, तो आपको यहाँ पर पूरी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया जिसको आपको चेक करना है। सो इस तरीके से आप हर एक यूनिवर्सिटी में जो जो आपको यूनिवर्सिटी BEd प्रोवाइड कर रही है उसको जा करके चेक कर लोगे और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेक कर लोगे। जैसे आप ये देखोगे तो ये है आपका, आप देख सकते हो दिस इज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर MA BEd आपको मिल रहा है COQP16 कोड और COQP03 कोड। तो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली आपको बोला है ग्रेजुएशन डिग्री 50% मार्क्स से होनी चाहिए और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो 45% में भी चल जाएगा। ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, साइंसेज कोई भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, तो ये चीज़ उन्होंने मेंशन कर रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगा कि आपको किस के लिए कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। अब बात आती है कि मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे को प्रिपेयर करना है तो मैं कौन कौन सी चीज़ें पढ़ूं, है ना। तो जनरली क्या होता है, सिलेबस आपका यहाँ पर मेंशन है, आपको सिलेबस चेक करना है। तो देखो ये ए वाले चल रहे हैं, जब आप बी वाले में जाओगे तो आपको BEd मिल जाएगा। अब मैं कॉमन BEd के लिए अगर यहाँ पर ओपन करूँ डाउनलोड PDF को, तो यहाँ पर मुझे सिलेबस COQP03 के लिए मिल जाएगा। देखो 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के ऊपर बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी होंगे, क्वेश्चन आपका दोनों में होगा, इट विल बी बायलिंगुअल लैंग्वेज, दोनों ही आपको मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी। इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, GK पूछा जाएगा रिलेटेड टू स्कूल एडुकेशन बुक्स फिल्म्स इंस्टीट्यूशंस एंड अवार्ड, उसके बाद मैथमेटिक्स आएगी आपकी, साइंस एंड एनवायरनमेंट आएगा, सोशल साइंसेज आएगा, आर्ट म्यूजिक योगा थिएटर एंड स्पोर्ट्स आएगा। सिमिलरली अगर आपको सेकेंड 04 के लिए जाना है तो आप इसको चेक कर लो। आप देखोगे तो सिलेबस में आपको काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी
मिलती है, लेकिन जनरल के लिए आपको जनरल में जाना है, और अगर आप स्पेसिफिक में जा रहे हैं ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप लैंग्वेज कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज की डिमांड ऑब्वियसली आपसे करने वाले है ना। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला हुआ, आपको क्या पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन पे आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए, इसी में से ही आपको पूछा जाएगा। फिर मैथमेटिक्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स स्पेसिफिक ही आपसे पूछेगा। तो आप एक एक करके ना, मतलब हर एक का सिलेबस चेक करना आपके लिए नेसेसरी है बेटा। मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, स्टैटिस्टिक्स पूछी जाएगी, कंप्यूटर साइंस पूछी जाएगी आपसे। सो आपको ओवरऑल जो आपने पढ़ रखा है ना उसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। साइंस के लिए जाओगे तो साइंस में देखो आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। अब साइंस में साइंस का सिलेबस होगा ऑब्वियसली, सो यू कैन गो फॉर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, यही सब आपसे पूछा जाएगा। सो आप ये चीज़ ध्यान के रखो कि आप जिस भी कोर्ट के लिए जा रहे हो उसका सिलेबस जरूर देख करके जाओ, क्योंकि वो आपका मैंडेटरी हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम अगर हम बीएड करें तो विल इट बी अ गुड ऑप्शन, है ना, या थोड़ा सा मेरे को बीएड के बारे में और डिटेलिंग कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं बेटा, देखो अगर किसी को नहीं पता है तो वापस से बताना चाहूंगी मैं, बीएड इज ऑल्सो नोन एज बैचलर ऑफ एडुकेशन, राइट। और आपकी जो एलिजिबिलिटी है इसमें आपको दो तरीके से बीएड करने के लिए मिल जाता है, एक तो फुल टाइम बीएड करने के लिए मिल जाता है और दूसरा डिस्टेंस से भी आप कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं जॉब के साथ साथ बीएड कर सकता हूँ, सो येस दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस से भी बीएड करवाती हैं। दो साल का कोर्स है ना, आपको फुल टाइम, डिस्टेंस और पार्ट टाइम भी करने के लिए मिल सकता है, राइट। आपको बोला गया है कि आपने फुल टाइम और डिस्टेंस से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं बीएड कर सकता हूँ, हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं, बट ग्रेजुएशन में आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, राइट। समझ में आ गया ना। आपकी जो कोर्स फी होती है वो 40,000 से 2,00,000 तक के वेरी करती है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज। फिर आप यहाँ पे बात करेंगे टॉप कॉलेजेस की, मैं बात करूँ वैसे भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, इवन इग्नू भी आपको बीएड करवाता है, आंध्र यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटीज भी आपको बीएड करवाती हैं। बट सीयूईटी पीजी के थ्रू अगर आपको चेक करना है कि आपकी कोई यूनिवर्सिटी आपको बीएड करवा रही है कि नहीं करवा रही है, तो आपको इंडिविजुअली उस यूनिवर्सिटी के लिए सर्च करना पड़ेगा सीयूईटी में जा करके, राइट। अच्छा, अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आपका जो एवरेज सैलरी पैकेज होता है वो 3.5 लाख से 6.5 लाख के बीच में वैरी करता है, अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज या फिर कोई अच्छा स्कूल मिल जाता है पढ़ाने के लिए तो। और वैसे भी आप दो तरह के टीचिंग जॉब के लिए यहाँ पे जा सकते हो, यू कैन गो फॉर प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, सीटेट हो गया, स्टेट टेट एग्जामिनेशन हो गई, या फिर आपका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, ये एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं, राइट। और अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो सिर्फ बीएड के साथ भी आप प्राइवेट जॉब्स के लिए जा सकते हैं। बीएड कोर्स टॉप जॉब प्रोफाइल्स में आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, सेकेंडरी टीचर, वही टीजीटी पीजीटी जो मैंने आपको बताया था वो, ठीक है ना, सेकेंडरी टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, कंटेंट डेवलपर और एसएमई की जॉब्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपोर्ट जिसे बोलते हो। बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं, एक आरआईई, सीडब्ल्यूई होता है, पीटेट होता है, डीयूईटी होता है, और इग्नू से भी बीएड एंट्रेंस आपको मिल जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिविजुअली भी अपने एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं फॉर बीएड। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन हैं आपके, नवोदय विद्यालय में आपको मिल जाती है, जो केंद्रीय विद्यालय में मिल जाती है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल्स आपको जॉब दे देते हैं, आदर्श विद्यालय में जॉब मिल जाती है, प्राइवेट स्कूल्स में जॉब मिल जाती है ना, उद्यमी में भी आपको जॉब मिल सकती है। सो ये रिक्रूटर्स हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं इसके थ्रू। अच्छा, आपको बता दूं कि आप अगर बीएड करने जाएंगे तो आपको पढ़ाया क्या जाएगा, आपको एडुकेशनल इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट्स करवाए जाएंगे, आपको एडुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद आपको एडुकेशन पढ़ाया जाएगा प्रॉपर, जिसमें आपको चाइल्ड पैडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाता है, कल्चर और ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, होलिस्टिक एडुकेशन को भी आपको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करी जाती है कि आप वो भी अपने अंदर फीड करके रखें, एंड फिलोसफी ऑफ एडुकेशन भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आपको ये भी बताया गया है कि ये जो पूरा कोर्स करिकुलम है उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि वो स्टूडेंट्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करे, टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है ना, उसको पढ़ाने के भी तरीके होते हैं। अब देखो, देयर इज अ वे कि आप सीधे सीधे बुक रीड कर दो और पढ़ा दो, बट देयर इज अ वे जहां पर आप बच्चे को मल्टीपल एग्जांपल देकर के चीजों से कनेक्ट करके समझाओ, सो दैट इज अ परफेक्ट थिंग। तो थ्योरीज, प्रिंसिपल, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इस पर आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करवाई जाती है जिससे आप थोड़े से एक्सपर्ट बन पाओ, पढ़ाने की नॉलेज आपकी एनहांस हो पाए और आप बच्चे को बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट नॉलेज प्रोवाइड कर पाओ, राइट। तो ये एक बहुत ही शानदार आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बीएड के थ्रू जा सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीएड के थ्रू
जॉब मिलना आसान हो जाता है, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे MBA के थ्रू बच्चे जो है थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है उनको, जेई नीट वाले बच्चों को वेट करना पड़ जाता है, बट BEd इज़ वन पार्ट कि अगर आपने BEd कर लिया तो आपको वेट बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो प्राइवेट जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाती है। सो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट मैं अपने सेशन को एंड करूंगी, लेकिन आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो हमारे अड्डा की ऐप से प्रिपरेशन कर सकता है। हम कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोर्स के लिए आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं, बट अगर आपकी डिमांड आएगी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी सो डेफिनेटली वी विल कम अप विद दैट ऑल्सो। आप हमें आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको कौन से कोर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। सो आपको करना क्या है, आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, UG PG में जाना है, ठीक है। PG में जाओगे तो PG में जाते ही आपको नंबर ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे 11, 12, LQP 01, है ना, COQP 10। सो सपोज आप जिस भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सपोज आप 11 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इसमें जाओगे, इसमें आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक्सपर्ट फैकल्टीज, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, है ना, DPPs, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट्स, उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करके देते हैं हम इसमें, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक, है ना। और आपको उसमें प्लानर भी मिल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ाया जाने वाला है। सपोज आपको इंग्लिश का प्लान चेक करना है तो कैसे कैसे आपकी क्लासेस चलेंगी या रन करेंगी, एवरीथिंग इज मेंशन, दिख रहा। सो प्रॉपर क्लासेस आपकी 22 जुलाई से शुरू होंगी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर आपको ये बैच चाहिए है तो आप बाय नाउ पे जा सकते हो, और अगर आप कोर्स बैच परचेस करना चाहते हो एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ दिस कि आपका बैच प्राइस ज़्यादा है तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y484। जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे Y484 यू विल बी गेटिंग इट इन मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको ये कोर्स कितने का मिल जाएगा, 10,588 इस कोड के साथ। सो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।